नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं खबरों की। आमिर को पत्नी ने दी देश छोड़ने की सलाह, मचा बवाल। देश में असहिष्णुता पर आमिर खान के बयान पर बवाल मच गया। आमिर ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि वे मानते हैं कि पिछले 6-8 माहों में असुरक्षा का भाव बढ़ा है। जब वे किरण से बात करते हैं तो वे कहती हैं कि हमें भारत से बाहर चले जाना चाहिए। अनुपम खेर ने आमिर से सवाल किया कि क्या तुमने किरण से पूछा कि कौन से देश जाना पसंद करोगी? क्या उसे बताया कि इस देश ने ही तुम्हें आमिर बनाया है? इससे भी खराब माहौल में रह चुके हैं, तब तो देश छोड़ने की नहीं सोची। मनोज तिवारी ने आमिर पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने इस बयान से भारत माता का अपमान किया और करोड़ों लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। अगर आमिर को भारत में डर लगता है तो वे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां उन्हें शांति मिलती है। पाकिस्तान और ISIS सबसे बड़ा खतरा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार वली उर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश भी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार रहा है। रहमान ने कहा कि पाकिस्तान और ISI हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं, क्योंकि वे अपने लोगों को भारत और बांग्लादेश भेजते रहते हैं। ISI अब भी आतंकवाद का केंद्र है। रहमान ने कहा कि उन्होंने हमें भी अस्थिर करने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने हमारी धरती पर 101 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की ताकि भारतीयों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित किया जा सके, लेकिन हमने भारत के सक्रिय समर्थन से उन्हें वापस धकेल दिया। आजम खान बोले, मुलायम को बहका रहे हैं अमर। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने कहा कि निष्कासित सपा नेता अमर सिंह राज्यसभा सीट के लिए पार्टी मुखिया मुलायम सिंह को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। आजम खान ने कहा कि वहां हजारों लोग थे, अब कोई जबरदस्ती घुस आए तो क्या करें? वे नेताजी को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए। ये पूछने पर कि क्या अमर फिर से पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और पार्टी इस बारे में स्पष्टता से क्यों नहीं बोल रही, खान ने कहा कि यदि वो पार्टी में शामिल हुए तो ये अत्यंत खराब दिन होगा। उन्होंने अमर को दलाल और धोखेबाज भी करार दिया।